न तो जैन का कोई जोर चला और न ही आलिया कुछ कर पाई। सारा खेल तो किस्मत के ट्विस्ट का रचा है। जैन के हाथ में एक बार फिर आलिया का हाथ है, लेकिन आलिया अब उनकी नहीं किसी और की बीवी हो गई है। जी हाँ, सीरियल बेइंतहा में आलिया और रेहान का निकाह हो गया है और जैन बाबू अपनी जान आलिया को किसी और की जिंदगी बनने का तमाशा देख रहे हैं। मैं बहुत कोशिश की कि ऐसा ना हो, बट मैं एन मौके पर निकाह में पहुंचता हूँ और जब तक मैं पहुंचूं तब तक बहुत देर हो चुकी है। वैसे अब पछताने से क्या फायदा, ये सब तो आप ही की वजह से हो रहा है। आलिया को तलाक 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 बोलने से पहले सोच लेना चाहिए था, लेकिन खैर जैन और आलिया को एक बार फिर से एक होने के लिए ये तो करना ही था। जब तलाक होता है और फिर से अगर उस शौहर को उसी बीवी से निकाह करना है तो एक सजा के तौर पे उसे पहले उस बीवी की कुर्बानी देनी पड़ती है। उसे किसी दूसरे मर्द के साथ पहले उसका निकाह करवा के फिर अगर वो रेडी हो जाता है इस बीवी को तलाक देने के लिए, ओनली देन शी कैन कम बैक टू हर फर्स्ट हस्बैंड। ये एक मैंडेटरी चीज है जिसके बिना आप दूसरा निकाह नहीं कर सकते अपनी पहली बीवी के साथ, तो यही एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आलिया और मुझे गुजरना पड़ा। जो भी हो जैन बाबू, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि रेहान आपके लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। सब कुछ जानते हुए भी रेहान ने खुद आलिया के आगे निकाह का प्रस्ताव रखा। आलिया ट्रस्ट रेहान अलॉट, तरफ से कुर्बानी है रेहान की तरफ से कि वो सिर्फ आलिया और जैन को दोबारा मिलाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। भाई रेहान ने तो एक दोस्त का फर्ज अदा किया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आलिया उनके घर पर आए और रेहान उनसे प्यार कर बैठे, क्योंकि ये सीरियल है जनाब, यहाँ रिश्ते इतनी आसानी से तो नहीं सुलझते। खैर ये तो रही ट्विस्ट की बात, अब देखिए सेट पर कैसे जश्न मनाया जा रहा है सीरियल के 200 एपिसोड पूरे होने का। आज तक ब्यूरो।